देखिएगा, ये हमारे पास है पेज नंबर 1 ही क्वेश्चन है, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू कोसेक एक्स। इसमें करने के लिए हमने सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन डी टू डी स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू जीरो, राइट हैंड साइड चाहे कुछ भी हो उसको जीरो ले लेंगे। कल हमने क्वेश्चन ये सेक वाला किया था। अब इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाली डी स्क्वायर प्लस वन इंटू वाई जीरो, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन बन गई एम स्क्वायर प्लस वन बराबर जीरो, एम की वैल्यू जीरो प्लस माइनस आई, तो वाई इक्वल टू आ गया ए कोस एक्स प्लस बी साइन एक्स। ए और बी दोनों कॉन्स्टेंट हैं, इसका डेरिवेटिव करेंगे और ए और बी को ऐसे यूज़ करेंगे जैसे वो वेरिएबल हों। तो इसका ए जुका तो हो गया कोस का माइनस साइन हो गया, फिर प्लस बी और साइन का कोस हो गया, फिर प्लस इसका करेंगे कोस जुका तो हो गया ए का डी ए बाई डी एक्स हो गया, फिर प्लस साइन एक्स हो गया और बी का डी बी बाई डी एक्स हो गया। इसे इक्वेशन 2 मान लिया, इसमें से यहाँ से कोस एक्स डी ए बाई डी एक्स प्लस साइन एक्स इंटू डी बाई डी एक्स को ऊपर वाली सी डी बाई डी एक्स वाली इक्वेशन में ही रख देंगे, ये वाली वैल्यू इक्वेशन 3 मान लिया। इसको 2 में रखा तो यहाँ से डी वाई डी एक्स इक्वल टू माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स बचा, ये वाला पार्ट यहाँ से यहाँ तक का। इसके बाद जब ये डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास आ गया है, माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स इक्वेशन नंबर 4 आई, फिर इसका दूसरी बार डेरिवेटिव करा तो देखो माइनस ए जो का तू साइन का हो गया कोस, फिर बी जो का तू कोस का हो गया माइनस साइन, फिर इसका साइन जो का तू ए का माइनस डी ए बाई डी एक्स, फिर कोस एक्स जो का तू बी का डी बी बाई डी एक्स हो गया। इक्वेशन नंबर ये आई हमारी 5। अब ये वाली वैल्यू वाई की वैल्यू देखो, जो वाई की वैल्यू है वो इक्वेशन 3 से, डी वाई डी एक्स की वैल्यू इक्वेशन नंबर 4 से, डी 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 स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशन नंबर 5 से इक्वेशन 1 में हमें रखनी है, जो क्वेश्चन दिया गया होता है हमारे पास ये वाला जो दिया होता है। तो जैसे ही तुम यहाँ वैल्यू डालते हो तो सभी वैल्यू कटती चली जाती हैं, केवल जो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर में ये जो वैल्यू आ रखी है ना माइनस साइन एक्स डी ए बाई डी एक्स प्लस कोस एक्स डी डी एक्स, केवल ये टर्म बचती हैं, बाकी सब कट जाती हैं। चाहे डाल देख लेना हर एक क्वेश्चन में, तो हमने डायरेक्ट लिख दी वैल्यू ये माइनस साइन एक्स डी ए बाई डी एक्स प्लस कोस एक्स डी बाई डी एक्स इक्वल टू कोसेक एक्स, और इस वाली वैल्यू को जो हमने जीरो एज्यूम की गई थी ये कोस एक्स डी ए बाई डी एक्स साइन एक्स डी बाई डी एक्स जीरो, इक्वेशन नंबर 3 को। 6 और 3 को सोल्व करने के लिए हमने इक्वेशन 6 को 3 साइन कोस एक्स से मल्टीप्लाई और इक्वेशन नंबर 3 को साइन एक्स से मल्टीप्लाई करके डी ए बाई डी एक्स को कोसाइन इक्वल करके काट दिया। यहाँ से डी बाई डी एक्स इक्वल टू कोस बाई साइन हो जाएगा, कोट एक्स आ गया, कोट एक्स आया। इसके बाद ये बाई डी एक्स डी बी बाई डी एक्स आपका ये आ गया पेज नंबर 2। यहाँ से देखो ये डी बी बाई डी एक्स, तो डी बी बराबर हो गया कोट एक्स, तो इंटीग्रल कर दिया बी होता है लॉग साइन एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी वन। अब हम क्या करेंगे, डी बी बाई डी एक्स की जो वैल्यू है उसे इक्वेशन 3 में रख देंगे, कोस एक्स डी ए बाई डी एक्स प्लस साइन एक्स डी बी बाई डी एक्स की वैल्यू रख दी इक्वल टू 0। 3 में क्यों रखा, चूँकि जो राइट हैंड साइड है वो आपकी 0 हो गई है, और अगर आप उसमें 6 में रखना चाहते हैं तो उसमें रख लो। यहाँ से आपके पास एक वैल्यू माइनस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी टू हो गया, तो कंप्लीट सोल्यूशन वाई बराबर ये आपके पास जो इक्वेशन आई हुई स्टार्टिंग में ए कोस एक्स प्लस बी साइन की इक्वेशन 3 थी, इसमें दोनों के हमने वैल्यू रख दी है, तो ये आपका कंप्लीट सोल्यूशन हो गया। देखिए एक क्वेश्चन कल था, एक क्वेश्चन ये आज का था, दोनों सेम है।